अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। सिंध की कदीम तहजीब के दामन में कई राज पोशीदा हैं। तारीख के सीने में महफूज इन राजों से पर्दा उठता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। कहीं माजी की पुरशिको इमारात के खंडरात उस वक्त के हुक्मरानों के जाहो जलाल की याद ताज़ा करते हैं, तो कहीं कदीम तरीन शहर, किले, इबादत गाहें और कब्रिस्तान उस दौर में रहने वाले लोगों की तहजीब व शनाख्त की अक्कासी करते हैं। ऐसा ही एक शहर हैदराबाद है जो माजी में नैरोन कोट के नाम से जाना जाता था। तब दरियाए सिंध को सिंधु कहा जाता था और नैरोन कोट इसी दरियाए सिंध के किनारे मछेरों की एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती का नाम उसके सरदार नैरोन के नाम से लिया गया था। दरियाए सिंध के मतवाजी एक पहाड़ी सिलसिला गंजू टक्कर वाक़ है। यह बस्ती जूं जूं तरक्की करती गई वैसे ही दरियाए सिंध और इन पहाड़ों के दरमियान आबादी बढ़ने लगी। सिंध की तारीख चचनामा में एक सरदार का अक्सर जिक्र मिलता है जिसका नाम आगम लोहाना था। ये ब्रह्मनाबाद शहर का सरदार था और इसकी मिल्कियत में दो इलाके आते थे, लोहाना और सामा। 636 ईस्वी में लोहाना के जनूब में एक बस्ती का जिक्र मिलता है जिसे नारायण कोट कहा गया है। तारीख नवीसों का मानना है कि नारायण कोट और नैरोन कोट एक ही बस्ती के दो नाम थे। थोड़े ही अरसे में इस पहाड़ी सिलसिले पर बुद्ध मत के कुछ पुजारी आ बसे। शहर में अच्छी तजारत के ख्वाहिशमंद लोग इन पुजारियों के पास अपनी इल्तजाएं लेकर आते थे। ये बस्ती एक तजारती मरकज़ तो बन ही गई, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी अकवाम की नज़रें इसकी बढ़ती मकबूलियत को देखे बगैर ना रह सकी। नैरोन कोट के लोगों के पास हथियार तो थे नहीं, बस फसलें काश्त करने के औजार थे। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात में नैरोन कोट पर कब्जे का तज़करा बगैर किसी जंगो जदल के मिलता है। अब्दुल्ला बिन नज्जान की शहादत के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने बदील बिन मलहबा को दीबल पर हमले के लिए भेजा था, लेकिन बदील ने इस जंग में शहादत पाई। बदील की शहादत के बाद नैरोन के लोगों ने मुसलमानों के डर से आपस में मशवरा किया कि यकीनन अरब इस शहादत का इंतकाम लेंगे और उनके हमले का पहला निशाना हम बनेंगे। अगर इस वक्त उनकी अताआत कबूल कर ली जाए तो हमारा शहर बर्बादी से बच जाएगा। नैरोन के हाकम सुंदर ने हज्जाज से जजिये की कबूली और अमान की तलबी की दरख्वास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। नैरोन कोट का हाकिम बुद्ध मजहब का मानने वाला और समनी कौम से था। जब मोहम्मद बिन कासिम नैरोन पहुंचे तो उस वक्त राजा सुंदर राजा दहर के पास गया हुआ था। शहर वालों ने जब मोहम्मद बिन कासिम की आमद की खबर सुनी तो किले के दरवाजे बंद करके बैठ गए। 5-6 रोज बाद जब समनी हाकिम नैरोन वापस आया तो उसने फौरन शहर के दरवाजे खुलवाए और शानदार तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का इस्तकबाल किया। नहायत बेशकीमत तहफ़ पेश किए और फौज की मेहमानदारी का पूरा पूरा इंतज़ाम किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भी नैरोन के हाकिम को इनाम व इकराम से नवाजा और यूं नैरोन बगैर किसी जंग के फतह हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने यहीं से राजा दाहिर को अपनी आमद की इत्तला दी थी। ये कल का नैरोन किला और आज का कच्चा किला हैदराबाद है। नैरोन कोट से पहले ये पटाला था। दरियाए सिंध की मौज मस्ती और तब्दील होते बहाव को देखकर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि पटाला वाला दोहरा बहाव भी इसी इलाके से गुजरता था। पटाला का सबसे पहला जिक्र अलेक्जेंडर दी ग्रेट के साथ आए यूनानी जोग्राफिया दानों और तारीख दानों की तहरीरों में मिलता है। एक मुहक्कक ने लिखा है कि अलेक्जेंडर ने जेहलों में कश्तियां बनवाई और फौज को साथ लेकर सिंध पर हमला किया। हमले के वक्त सिंध पर सांबा नस्ल का राजा सांबस राज किया करता था। पटाला, सिवस्तान और दीवल पर छोटे छोटे राजाओं की हुक्मरानी थी जो सांबस के मातहत थे। अलेक्जेंडर के साथ मिस्री और फोनिकी मल्लाहों के दस्ते थे। राजा सांबस ने तो अलेक्जेंडर से मुकाबला किया, मगर पटाला के राजा मोक्रिस ने बिना मुकाबले ही शिकस्त कबूल कर ली। तीसरे रोज अलेक्जेंडर को इल्म हुआ कि पटाला के राजा ने अपनी रियाया को हुक्म दिया है कि शहर खाली करके भाग जाओ। चुनाचे जब अलेक्जेंडर पटाला पहुंचा तो शहर वीरान था। माहरीन लिसानियात के मुताबिक
पटाला का लफ्ज़ पाताल से निकला है, जो एक किस्म का फूल भी है। चंद एक का ख्याल है कि पटाला द्रावड़ी जबान का लफ्ज़ है, जब सफ़ेद जिल्द वाले आर्या खुश और ठंडे वस्ती एशिया से सिंध आए तो यहाँ आबो हवा नमी वाली थी, चुराचे वो इसे पाताल कहने लगे। मौजूदा हैदराबाद की बुनियाद कल्होड़ा दौरे हुकूमत ने मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों ने रखी। कल्होड़ों के बुजुर्गों को मियाँ या शाह कहा जाता था। इस खानदान के बुजुर्ग आदम शाह कल्होड़ों ने बहुत शोहरत पाई। सखर के करीब आदम शाह की पहाड़ी आज भी उन्हीं के नाम से मौसूम है। 1701 में कल्होड़ों सरदार मियाँ यार मोहम्मद खान ने ताकत के जोर पर इस इलाके को मुगल किलेदारों से हासिल किया और खारजी तौर पर दिल्ली के हुक्मरानों के मातहत रहते हुए इस इलाके पर हुकूमत की। फिर नूर मोहम्मद कल्होड़ो, मियाँ मुराद शाह, मियाँ इतर खान और बाद अज़ा मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने तख्तो ताज संभाला। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ऐसे हुक्मरान थे जिन्होंने इस शहर के दोनों रूप यानी नैरोन कोट और हैदराबाद देखे और इन पर हुक्मरानी की। 18वीं सदी ईस्वी की इब्तदा में जब मुगलिया सल्तनत जवाल पजीर होने लगी तो सिंध में कल्होड़ों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। कल्होड़ो हुक्मरानों को एक महफूज और खुशगवार आबो हवा वाली जगह की तलाश थी ताकि अपना पाया तख्त बना सके। इससे पहले वो सैलाब की तबाहकारियों के हाथों परेशान थे। उन्होंने खुदा आबाद, अल्लाह आबाद और शाहपुर समेत कई शहर बसाए, मगर कुदरती आफात ने उन्हें बाकी ना रहने दिया। चुनाचे वो ऐसी जगह की तलाश में थे जो कुदरती आफात ही नहीं बल्कि दुश्मनों की चीरा दस्तियों से भी महफूज हो। 3-4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद उन्होंने नैरोन कोट ही ऐसा मकाम नज़र आया जिसकी उन्हें तलाश थी। ये जगह हर तरह से महफूज थी। ये गंजू टकर पहाड़ी की वो टीकरी है जो सतह समंदर से तकरीबन 55 फुट बुलंद है। गोया ये ऐसी जगह थी जहाँ खतरात कम से कम थे। चुनाचे फैसला किया गया कि नैरोन कोट के मकाम पर एक नया शहर बसाया जाए जो कल्होड़ो हुकूमत का दारुल खिलाफा हो। मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने 1768 में एक किले की तामीर से नए शहर की इब्तदा की और अपना दारुल खिलाफा खुदा आबाद से यहाँ मुंतकिल किया। ये किला हैदराबाद रेलवे स्टेशन के सामने मौजूद है, जिसका कतर कभी 1 मील और फसील की ऊंचाई 80 फुट थी। इसकी चौड़ाई 26 एकड़ बताई जाती है। किला बैजवी शक्ल का था जिसे पक्की ईंटों और कीचड़ से बनाया गया था। दीवार पतली मगर अंदर मिट्टी भरी हुई थी, इसलिए इसे तोड़ना मुश्किल था। किला 40 गज कुशादा खाई के जरिए शहर से कटा हुआ था और यही किले के दिफा का वाहिद वसीला था। मस्कूरा खाई चट्टान के बाहर जनूबी इलाके को अलग रखती थी जिस पर किला तामीर किया गया था, इसलिए आमोदरफ्त पुल के जरिए बरकरार रखी जाती थी। किले के मरकजी दरवाजे के आगे दिफा की खातिर एक नीम घूमती हुई दीवार थी। इसके दोनों अतराफ एक गली थी जिसे अब शाही बाजार कहा जाता है। किले के अंदर साहबजादों के महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मीरों के दरबार, मुलाजमों के कमरे, मस्जिदें और हरम खाने शामिल थे। अंग्रेजों ने सिंध में अपना पहला कदम 26 सितंबर 1613 ईस्वी को तिजारती जहाज की आमद के साथ रखा और 1635 में ठट्टा में पहली तिजारती कोठी कायम की, जिसका ज़ाहरी मकसद यहाँ से कलमी शोरा खरीद कर यूरोप भेजना था। लेकिन बाद में उन्होंने सिंध पर कब्जा करने की जद्दोजहद तेज कर दी। 1783 में कल्होड़ों को हालानी के मकाम पर बलोच सरदारों के हाथों शिकस्त हुई और तालपुर सिंध के हुक्मरान बन गए। उनके दौर में अंग्रेजों की साजिशें अरूज पर पहुंच गईं। 17 फरवरी 1847 को तालपुरों को मियानी के मकाम पर अंग्रेज फौजों के हाथों पहली शिकस्त हुई। मीरा ने हैदराबाद गिरफ्तार कर लिए गए और जनरल सर जॉनसन जेम्स नेपियर की सरबराही में अंग्रेजी फौज बगैर किसी मजाहमत के किला हैदराबाद पर काबिज हो गई, जो आज पक्का किला के नाम से पहचाना जाता है। 19 फरवरी 1843 को कैप्टन पीले ने किले के अमले को आगाह किया कि कल किले पर बरतानवी परचम लहराया जाएगा। 20 फरवरी 2:00 PM कर्नल पटेल घुड़सवारों, प्यादों और 2 तोपों के साथ किले में दाखिल हुए और किले पर बरतानिया का झंडा लहरा दिया। अंग्रेजों ने किले से तमाम खजाने, ऊनी और नफीस कपड़े, बेशबहा हथियार, मुरस्सा तलवारें, रूमी, खुरासानी और मीरखानी बंदूकें,
जवाहरदार खंजर, छुरियाँ, विलायती घोड़े, ऊंट, मवेशी, लाखों के तलाई जेवरात और मीरों के तोशाखाने में मौजूद 2,30,00,000 रुपए नकद कब्जे में कर लिए। पक्का किला पाकिस्तान के 49 किलों में से एक है जहां आज भी मुकम्मल आबादी मौजूद है। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हंगामी बुनियादों पर जिन लोगों को किले में रखा गया था वो अब तक यहां आबाद हैं और उनकी तादाद 5,00,000 से भी ज़्यादा है। किला अपने अंदर पूरा शहर है जहाँ लोगों के घर हैं, खेल का मैदान है, पार्क हैं, गलियाँ और रहदारियाँ हैं, लोग छोटे छोटे घरों में रिहायश पजीर हैं, फसीलें गायब हो चुकी हैं और अंदर गटर नाले बह रहे हैं। किले की इमारत सदर दरवाज़ा किला चौक से शुरू होकर कदमगाह मौला अली स्टेशन रोड और फ़कीर का पिड़ से गुजर कर वापस सदर दरवाज़े पर ख़त्म होती है। किले के बाहर कदमगाह मौला अली है। ये ज़्यारत दरअसल पत्थर की एक सिल है जो कभी किले के अंदर हुआ करती थी, जिससे मीर साहिबान के अहले खाना मुशर्रफ़ ज़्यारत हुआ करते थे। लेकिन सिंध के आखिरी बादशाह मीर नसीर खान तालपुर ने आम लोगों के इसरार पर इसे यहाँ नसब करा दिया था। रिवायात के मुताबिक ये सिल मौला अली के नमाज पढ़ते हुए हाथों और पैरों के निशानात हैं जो गहरे और वाज़े हैं। तवारीख के मुताबिक ये पत्थर इराक से गुजरकर ईरानी बादशाह इस्माइल काचार के पास तबर्रुकन आया था, जो उसने तोहफ़तन सिंध के बादशाह मीर फतेह अली खान तालपुर को दिया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक मौला अली बरास्ता लाहूत हैदर तशरीफ लाए थे और यहाँ से सेवन शरीफ भी गए थे। इसीलिए आज भी सेवन में जिस मकाम पर आप ठहरे वो अलीजा पट कहलाता है। किले की फसील के नीचे घूमते हुए हिसार में दुकानें बना दी गई हैं जहाँ बसा औकात फसील के अचानक मुनहदम होने से नुकसानात होते रहते हैं। किले के अंदर एक स्टेडियम भी मौजूद है। इस किले में ज़्यादातर वो मुहाजरीन आबाद हुए जो 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। आहिस्ता आहिस्ता किले में रिहाइश के साथ साथ छोटी सनतें भी लगती रहीं जिनमें चूड़ी साजी और जूता साजी के कारखाने शामिल हैं। किला किसी ज़माने में इल्मी किताबों से मालामाल था मगर अब कोई लाइब्रेरी मौजूद नहीं। इसी तरह यहाँ एक म्यूज़ियम भी हुआ करता था जिसे 1985 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसकी इमारत आज भी मौजूद है। दीवान ख़ास और दीवान आम उसी के साथ वाक़ हैं। कलहोड़ों के साबिक दारुलखिलाफा खुदा आबाद के हुनरमंदों ने उस इलाके को छोड़कर हैदराबाद की राह ली। यहाँ के हिंदू भी वीरों के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए। उन लोगों ने शाही बाजार के दोनों तरफ रिहाइश इख्तियार की। उनकी आबादी शाही बाजार के मगरिब में थी जबकि मुसलमानों के मोहल्ले मशरक़ की तरफ ज़्यादा थे, जो ताहिर बाजार से लेकर सरे घाट तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि मियाँ गुलाम शाह कलहोड़ों के दौर में शाही अफराद, सरदार और अशराफिया किले के अंदर जबकि कुम्हार और मजदूर वगैरह बाहर रहते थे। मीर साहिबान के खास मुसाहिबीन ने किले के आसपास अपने गोठ बसा लिए थे जिन्हें टंडो कहा जाता है। खुदा आबाद के ही एक हिंदू दीवान गुद्दू मल ने दरियाए रास्ते से हैदराबाद का सफ़र किया और उतर कर उसने जिस जगह खुशकी पर कदम रखा वो गुद्दू बंदर के नाम से जानी जाती थी, तहम अब उसका नाम हसन आबाद रख दिया गया है। 1852 में अंग्रेज राज के दौरान यहाँ कौफजी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाट्री कायम किया गया जिसे गुद्दू बंदर पागलखाना और गुद्दू बंदर मेंटल हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल कहलाता है। मीरों के दौर में खुदा आबाद से बढ़ई लाकर उन्हें हैदराबाद में बसाया गया। जिस जगह वो लोग रहते थे उसका नाम वाढ़ों का पेड़ रखा गया। इसी तरह मकान बनाने वाले मजदूरों को जिन्हें सिंधी जबान में राजे कहा जाता है यहाँ लाकर राजों के पेड़ में बसाया गया। फौजी ज़रूरत के लिए त्योरा कौम के लोगों को आबाद किया गया। ये तलवारों को चमकाने और उनकी धार तेज करने का काम किया करते थे। इसी तरह रतराइयों के पेड़ में रतराइयों को बसाया गया। ये लोग खेमे और तंबू बनाते थे। घोड़ों के नाल लगाने वाले नाल बंदन घिट्टी में कलहोड़ों के वक्त से रह रहे थे। शहर में गुल अंदाज या गोला अंदाजू भी आकर रहे। ये लोग तोपें और उनका बारूद बनाते थे। मीरों ने हैदराबाद में हर किस्म के कारीगर लाकर बसाए जिनमें कोरी यानी जोलाहे, खनवानी यानी कपड़े रंगने वाले, रंगजी, जरदोज, पाटोली,
یعنی ریشم کا کپڑا بنانے والے اور قصاب شامل تھے۔ ان کے علاوہ زرگر یعنی سنار، کھٹی یعنی دھوبی، بھنیگر یعنی کنگھیاں بنانے والے، سراز یعنی جانوروں کی زین بنانے والے، ٹھاٹھار یعنی برتن بنانے والے، طبیبوں اور مدرسوں میں پڑھانے والے آخندوں سمیت خدمت گاروں اور چھوٹے نوابوں کو بھی یہاں بسایا اور انہیں اچھی جگہیں دی۔ اس عرصے میں حیدرآباد نہ صرف پھلا پھولا بلکہ خوشحال ہونے کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ بھی بنا۔ میاں غلام شاہ کلہوڑوں کے انتقال کے بعد ان کے وارثوں نے شہر کو بالکل نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے اس شہر کی ترقی رک گئی۔ 1783 میں کلہوڑوں کو جب یہاں سے پسپا ہونا پڑا تب تالپوروں کا عہد زری شروع ہوا۔ اس لیے یہ بات طے ہے کہ شہر کی اصل بنیاد تو میاں غلام شاہ کلہوڑوں نے رکھی، مگر اسے عروج تالپوروں کے دور میں حاصل ہوا۔ مختصر یہ کہ قلعہ اور اس کے گرد آباد ہونے والا شہر تاریخ کا ایک طویل باب ہے، جس میں امن و آشتی، ادب و تاریخ، تہذیب و تمدن اور صحت مند معاشرے کے انمٹ نقوش موجود ہیں۔ حیدرآباد کو 1935 تک سندھ کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل رہا، جبکہ پاکستان کے بعد وفاقی دارالحکومت کراچی اور صوبائی دارالحکومت حیدرآباد کو قرار دیا گیا۔ لیکن جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد منتقل کیا گیا تو حیدرآباد سے بھی یہ اعزاز چھن گیا۔ اسی طرح آبادی کے لحاظ سے یہ کبھی پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ 19 لاکھ آبادی کے ساتھ پاکستان کا 8واں اور سندھ کا 2را بڑا شہر ہے۔ حیدرآباد میں سیاسی اور لسانی کھینچتانی کی وجہ سے کوئی خاص صنعت تو نہ لگ سکی، لیکن چوڑی سازی نے بے انتہا ترقی کی اور ایک زمانے میں حیدرآباد دنیا کی سب سے بڑی چوڑیوں کی صنعت کا ہوا کرتا تھا۔ اب تو پاکستان کے کم و بیش ہر شہر میں چوڑیاں بنتی ہیں، لیکن حیدرآباد کے امریکن کوارٹرز کے گھروں میں بننے والی چوڑیوں کو کبھی اس شہر کی سوغات کہا جاتا تھا۔ حیدرآباد کی ایک اور سوغات ربڑی ہے۔ گئے دنوں میں حاجی کی خوش ذائقہ اور لذیذ ربڑی کی بہت دھوم ہوا کرتی تھی، جسے حیدرآباد کے رہائشی اپنے مہمانوں اور دوست احباب کو بطور تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ گاڑھے دودھ اور میوہ جات سے بنی یہ ربڑی اب بھی مٹی کے برتنوں میں حیدرآباد ریلوے اسٹیشن کے علاوہ شہر میں بھی جگہ جگہ بکتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کا دلہن پراٹھا بھی بہت مشہور ہے۔ یہ پراٹھا شاہی بازار کی ریشم گلی میں ملتا ہے اور لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر اسے لینے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کوئی 40 سال پہلے ایک متمول گھرانے کی نئی نویلی دلہن اپنے عزیزوں کے ساتھ یہاں آئی اور کسی انوکھے ناشتے کی فرمائش کی۔ ہوٹل کے مالک نے پہلے کھولتے ہوئے تیل میں مرغی کا قیمہ بھر کر پراٹھا فرائی کیا اور پھر اسے دلہن کی طرح سجانا شروع کیا۔ سب سے پہلے ابلے ہوئے انڈوں کے سلائس کاٹ کر اس پر آویزاں کیے گئے، پھر چقندر سے گلکاری کی، کاجو، بادام، سٹرابری، ادرک کے ٹکڑے، منفرد مسالے اور لیموں کو تڑکا لگا کر آخر میں مرغی کا روسٹ کیا ہوا ٹکڑا رکھا اور یوں خوش ذائقہ پراٹھے کی تیاری تکمیل کو پہنچی۔ اس پراٹھے کا نام دلہن پراٹھا رکھا گیا، جو آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ اس دن کے بعد سے زیادہ تر لوگ نئی نویلی دلہنوں کے لیے اس ہوٹل پر دلہن پراٹھا لینے آتے ہیں۔ 1911 میں دادو کے ایک ہندو خاندان کمار تھادانی فیملی نے صدر حیدرآباد میں ایک بیکری قائم کی، جس کا نام بمبئی بیکری رکھا گیا۔ 1922 میں بمبئی بیکری کو سول لائنز میں حیدرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے ایک بنگلے میں منتقل کر دیا گیا اور یہ آج بھی وہیں موجود ہے۔ اس بیکری کا کیک صرف حیدرآباد میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ یہاں کی سوغات ہے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بمبئی بیکری کا کیک مقامی لوگ خود کھانے کے بجائے اپنے دوستوں کو تحفے کے طور پر بھیجتے ہیں۔ کیک کی خریداری کے لیے مرد و خواتین کی لمبی قطاریں لگتی ہیں، لیکن بعض اوقات سٹاک ختم ہونے کے باعث خریداروں کو خالی ہاتھ بھی لوٹنا پڑتا ہے۔ پاکستان کی شاید یہ واحد بیکری ہے جہاں سے ایک خریدار کو ایک وقت میں 2 سے زیادہ کیک فروخت نہیں کیے جاتے، جبکہ بمبئی بیکری کے کیک زیادہ قیمت پر بلیک میں بھی بکتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک کرکٹ اسٹیڈیم بھی ہے جس کا نام نیاز اسٹیڈیم ہے۔ 1982 میں دنیا کی پہلی ہیٹرک 25,000 شائقین کی گنجائش کے اسی اسٹیڈیم میں بنائی گئی تھی۔ آج تک پاکستان اس گراؤنڈ پر کوئی ٹیسٹ میچ ہارا ہے نہ ون ڈے۔ ایشیا میں کھیلے جانے والے
पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच भी इसी स्टेडियम में खेला गया था, लेकिन अब यहाँ वीरानियों का राज है। पाकिस्तान बनने के बाद 17 अगस्त 1955 को हैदराबाद में रेडियो स्टेशन कायम किया गया, जो कराची के बाद सिंध का दूसरा रेडियो स्टेशन था। इस रेडियो स्टेशन ने मुल्क को बेशुमार फनकार, अदाकार, शायर, गुलूकार, माहिरीन तालीम और सियासतदान दिए। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की पहली अनाउंसमेंट मशहूर अदाकार और सदाकार इब्राहिम नफीस ने की, जबकि बाद में मुमताज शायर हिमायत अली शायर भी यहाँ अनाउंसमेंट करते रहे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन हीरो मोहम्मद अली, मुस्तफा कुरैशी, उनकी बेगम गुलूकारा रुबीना कुरैशी, अब्दुल करीम बल्लोच, सफरनामा निगार और कालिम निगार, कमर अली अब्बासी, मशहूर शायरा फहमीदा रियाज, मेहताब राशदी, गुलूकारा आबिदा परवीन, कुर्बान जीलानी, मुमताज़ मिर्ज़ा, माई भागी, ताज मस्तानी, मजाहिया शायर प्रोफेसर इनायत अली खान, प्रोफेसर अनवार अहमद जई, प्रोफेसर सैयद कवि अहमद और अमर जलील जैसे कई सितारे इस कहकशां का हिस्सा रहे। रानीबाग और ठंडी सड़क के बगैर हैदराबाद का तस्करा मुकम्मल नहीं हो सकता। रानीबाग का पुराना नाम दास गार्डन था, लेकिन 1861 में अंग्रेजों ने इसे बोटैनिकल गार्डन के तौर पर तरक्की दी। मलिका विक्टोरिया के एजाज में इसका नाम रानी बाग रखा गया और बाद में जानवरों को भी यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। बाग 58 एकड़ रकबे में फैला हुआ है और इसे 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें ईदगाह, अब्बास भाई पार्क और चिड़ियाघर शामिल है। यहाँ वसी लॉन्स के अलावा बच्चों के पार्क और जॉगिंग ट्रैक्स भी हैं, जबकि बोटिंग के लिए 50,000 मुरबा फुट पर मसरूई झील बनाई गई है। रानीबाग उसी ठंडी सड़क पर वाक़ है जिसे हैदराबाद की जन्नत कहा जाता था। ऊंचे और सायादार दरख्त इस सड़क पर यूं झुके रहते थे जैसे किसी मुर्गी ने अपने बच्चों को परों तले दबा रखा हो। अमन के दिनों में अक्सर लोग आकर दोपहर के वक्त सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे, जबकि शाम के औकात में इस सड़क से गुजरते हुए बाकायदा सर्दी का एहसास हुआ करता था। हैदराबाद की हवाएं भी बेहद मशहूर रही हैं। वैसे तो शहरों में मकानों के ऊपर बनी चिमनियाँ, बावर्ची खाने या आतिशदान का धुआं और गर्मी बाहर निकालने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन हैदराबाद के पुराने मकानों के ऊपर तुकोनी चिमनियाँ इसलिए बनाई जाती थी कि हवा उनमें दाखिल होकर घरों के अंदर पहुँचे और उन्हें हवादार और ठंडा रखे। हैदराबाद के पहलू में दरियाए सिंध पर ग़ुलाम मोहम्मद बैराज वाक़ है, जिसे कोटरी बैराज के नाम से ज़्यादा शोहरत हासिल है। इसके 44 गेट हैं, जिनमें से हर एक की चौड़ाई 60 फुट है। 1955 में तामीर होने वाले इस बैराज की मजमूई लंबाई 3000 फीट। यहाँ से निकलने वाली 3 में से 2 नहरें फुलेली कैनाल और पिनियारी कैनाल हैदराबाद शहर के दरमियान से गुजरती हैं। हैदराबाद से 18 किलोमीटर के फासले पर म्यानी का इलाका है, जहाँ सिंध के फर्जंदों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इनमें वो होश मोहम्मद शीदी भी शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले मर वैसू पर सिंध न डेसू का नारा लगाया। ये अलग बात है कि सिंध की फौजों को इस जंग में शिकस्त हुई और अंग्रेजों का सिंध पर इख्तदार शुरू हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद हैदराबाद उर्दू बोलने वालों या महाजरों का शहर कहलाता था और यहाँ इनका तनासब 66% से भी ज़ायद था, लेकिन बाद में यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के आबाद होने से लिसानियत जन्म लेने लगी। 1967 में यहाँ पहले लिसानी फसादात हुए, जिनमें वक्त गुजरने के साथ इजाफा ही होता रहा। चुनाचे महाजरों के लिए लतीफाबाद और सिंधियों के लिए कासमाबाद की बस्तियाँ बसाई गईं। ये दोनों इलाके तो अब भी आबाद हैं, लेकिन शहर से लिसानियत के बू फिर भी ख़त्म नहीं हो सकती। कहा जाता है कि हैदराबाद के बानी मियाँ ग़ुलाम शाह कल्होड़ो को अपना तामीर कराया हुआ किला इतना पसंद था कि एक रोज़ उन्होंने किले की तारीफ में लोगों को मदऊ किया, सीधे पढ़वाए और शुरा को इनामो इकराम से नवाजा। इसी मजलिस में उन्होंने नैरोन कोर्ट के लिए हैदराबाद नाम तजवीज़ किया और संगे मरमर की एक तख्ती बनवाकर किले के मरकजी दरवाजे पर लगवाई, जिस पर लिखा था, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन का गहवारा बना। शहरों के लिए दुआएं तो की जा सकती हैं, मगर शहरों को उजाड़ने वाले भी इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। शायद यही वजह है कि आज दुनिया में कई उजड़े हुए शहर हमें मदफून हालत में नज़र आते हैं। ये भी कहा जाता है
کہ تقسیم ہند سے پہلے حیدرآباد نہایت خوبصورت شہر تھا اور اس کی سڑکیں روزانہ عرقی گلاب سے دھوئی جاتی تھیں، لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ بتدریج اپنی پہچان کھوتا رہا۔ پہلے اسے سیم اور تھور کھا گئی، جبکہ رہی صحیح کثر لسانیت اور عصبیت نے پوری کر دی۔ چنانچہ اب حیدرآباد شہر سے زیادہ ایک آباد کھنڈر ہے۔ اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔